नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रतापगढ़ कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आज नवनियुक्त लोकसभा कोऑर्डिनेटर एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव प्रभारी प्रतापगढ़ विवेकानंद पाठक का कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर लालजी त्रिपाठी ने बुके देकर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने बनारसी शाल उड़ाकर, सेवादल जिलाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला ने टोपी पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बारी बारी से स्वागत किया। स्वागत उपरांत पत्रकार साथियों से रूबरू होते हुए प्रदेश महासचिव लोकसभा कोऑर्डिनेटर विवेकानंद पाठक ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर लालजी त्रिपाठी, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष इरफान अली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह, सेवादल जिलाध्यक्ष महेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष वेदांत तिवारी, रामरतन तिवारी, अभय किशोर त्रिपाठी, अश्वनी उपाध्याय, संजय इश्तियाक आदि उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए संवाददाता आरिफ हुसैन की रिपोर्ट। के नेता रहे हैं और आप छात्र राजनीति से जुड़े हैं, प्रतापगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत मायने सीट रखती है, खास करके ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने अस्तित्व से जूझ रही यूपी में, तो कांग्रेस और सपा का जब अलायंस होगा या आपका अलायंस काम करेगा, तो क्या इस सीट को कांग्रेस के खाते में जाने की मांग करेंगे आप? ये निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि प्रतापगढ़ 2009 में कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस की सांसद थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेताओं का कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है, वो इस पर बातचीत कर रही है दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों से, जो इंडिया अलायंस के राजनीतिक दल है सहयोगी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चूँकि बगल में रायबरेली है और अमेठी भी है, ये दोनों सीटें कन्फर्म है कांग्रेस की कोटे में रहेंगी। हम एज ए लोकसभा प्रभारी, एज ए जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायबरेली में प्रतापगढ़ के इंचार्ज होने के नाते, मेरी कोशिश ये रही है कि प्रतापगढ़ भी कांग्रेस के कोटे में जाए और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इस पर जो निर्णय लेने का है, वो सीधे सीधे अधिकार कांग्रेस की इंडिया अलायंस के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे सिस्टम का उसकी है, वो निर्णय लेंगे। सर, अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ने वाला है? देखिए, अमेठी और रायबरेली से निश्चित तौर पर गांधी परिवार से ही कोई ना कोई लड़ेगा। अब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लड़ने वाला है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व स्वयं तय करेगा कि अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन लड़ेगा। रायबरेली की प्रियंका जी की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या प्रियंका जी ही लड़ेंगी? प्रियंका गांधी जी हम सबकी नेता हैं, उनकी जहाँ से भी इच्छा होगी, वो देश की नेता है, कोई रायबरेली और अमेठी की नेता है नहीं सकती, वो पूरे देश की नेता है, जहाँ से उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यह उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव लड़ें, तो उनका निर्णय होगा वो कहाँ चुनाव लड़ें। राहुल के कार्यक्रम में तो देश के जो सबसे बड़े हमारे हिंदू धर्मों के चार शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मीडिया में यह नहीं चलाया जा रहा है कि आखिर ये चारों शंकराचार्य क्यों नहीं वहाँ आ रहे हैं। कांग्रेस जाएगी कि नहीं? कांग्रेस के नेता 15 तारीख को जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, कांग्रेस के सारे बड़े नेता प्रदेश के 15 तारीख को 15 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। कांग्रेस तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध, जैन, कांग्रेस किसी एक धर्म की बात नहीं करती है। कांग्रेस इस देश की जो व्यवस्था है, जो सर्वधर्म संभाव की बात है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, उस पर बात करती है। राहुल जी भी जन नेता हैं, आपने देखा कि किस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की, लगभग 3600 किलोमीटर की, और अब फिर एक दूसरी न्याय यात्रा लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक के लिए निकले हुए हैं। पूरा देश राहुल जी का है, जहां से उनका इच्छा होगी, जिस लोकसभा से उनकी इच्छा होगी, वो चुनाव लड़ेंगे और सदन में। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है ब्राह्मण, हमेशा से रहा है, और ब्राह्मण वोटर इस दौरान खिसक गया कांग्रेस, तो बगैर मूल वोटर जहाँ प्रतापगढ़ अमेठी रायबरेली में तादाद है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे ऐसे समय जब राम मंदिर
का भव्य उद्घाटन कर रही है भाजपा, कैसी हम उद्घाटन कर रही है।